कलेक्टर बहू। जोधपुर की महारानी रागेश्वरी के यहाँ उनकी कोठी में तुम रुके हो? हाँ। मैं देखती हूँ कि क्या है शिवा को कोठी में ठहराने का रहस्य। बेटे, शिवा की बहुत याद आ रही है और उसके बिना मन भी नहीं लग रहा। मैं साक्षी, शिवा की बाल सखा। बेटा, तू वो रागेश्वरी रजवाड़े वाले की कोठी में गई थी ना? मैं इस नए इशू शिवा एंड रागेश्वरी रजवाड़े खानदान की फाइल तैयार करने में जुट गई। यार, बहुत अच्छा हुआ कि साक्षी ने हमें तुम्हें आज हमारा शहर दिखाने के लिए कह दिया। तो बताओ, कैसा लगा तुम्हें भोपाल? अरे राज भैया, हमें तो बहुत मजा आया। आपने क्या भोजन कराया हमरा। अरे 56 भोग के बारे में हमने बस सुना था आज तक, और आज बात बताओ, तुम्हारे गांव में ये सब नहीं मिलता क्या? हमारे गांव में? अरे राज भैया, हम शायद आज पहली बार ऐसे रात को बाहर घूम फिर के आए, और हमारे गांव में एक बार सूरज डूब गया तो पूरा गांव अंधकार में डूब जाता है। कहां के 56 भोग। राज भैया, एक आपसे बात पूछनी थी। एक क्यों कुंवर साहब, 1000 पूछे। बात यह है कि हमें लगा था हमरी और साक्षी की जोड़ी, मतलब विवाह के लिए जोड़ी, कुछ ठीक ना है। आपको क्या लगता है? अरे भैया, हमने आपको बोला था ना, हमरे मन में जो भी बात आती है ना, हम कह देते हैं। और अब हम दोनों का मन भी मिल गया तो कह दिया हमने मन की बात। देखो शिवा, ये तुम्हारे और साक्षी के रिश्ते की बात, ये फैसला तुम दोनों के परिवार वालों ने किया है, और जब घर के बुजुर्ग कोई फैसला लेते हैं तो कुछ सोच समझ के ही लेते होंगे ना। राज भैया, हमरा तो यही मानना है कि ये शादी का फैसला घर वालों ने नहीं, बल्कि उन्होंने करना चाहिए जिनकी शादी होने वाली है, जिन्हें जिंदगी एक साथ गुजारनी है। तो क्या आप इस रिश्ते से खुश नहीं हैं? नहीं नहीं, ये हमने कब बोल दिया? हमें लगता है कि साक्षी जी इस विवाह से खुश नहीं है। और कैसी होगी खुश, मतलब देखिए ना, हम तो है 5वीं पास और वो इतनी पढ़ी लिखी, हम है बिजली गुल गांव से और उनके ख्वाबे में तो बहुत बड़े बड़े शहर है। तो आप ही बोलिए, कोई इस विवाह से कैसे खुश होगी? देखो शिवा, इस सवाल का जवाब तो खुद साक्षी ही तुम्हें दे सकती है, तो ये तुम्हें मुझसे नहीं उससे पूछना चाहिए। क्यों राज भैया, ये सवाल तो हम आपसे भी पूछ सकते हैं, आप भी तो दोनों पक्के दोस्त हो। हमें तो लगता है हमसे ज्यादा आपकी और साक्षी की जोड़ी बेहतर रहेगी। मतलब आप देखो ना, आप दोनों पढ़े लिखे हो, शहर में रहते हो, एक दूसरे को समझते हो। देखो शिवा, ये बात तो सच है कि मैं और साक्षी, तो क्या कहा तुमने, हाँ, पक्के दोस्त तो हैं। और शिवा, जहां तक मैं उसको समझ पाया हूं ना, वो मन ही मन किसी से विवाह कर भी चुका। क्या बोल रहे, मन ही मन विवाह किससे? चौंकिए मत कुंवर साहब, वो मन ही मन विवाह किसी इंसान से नहीं, बल्कि अपने करियर से, अपने ख्वाबों से कर चुकी। बस उसकी जिंदगी में शायद किसी और से शादी करने की अब कोई जगह ही नहीं। वो अपने सपनों के लिए जीते हैं शिवाजी, जैसे दो प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे के लिए जीते। बस मैं तो इतना ही समझ पाया हूँ।
गुड मॉर्निंग मैडम, आज आपके घर के बाहर एक नहीं 20 अखबार मिलेंगे। देखिए, और मेरे दूसरे मैसेज का इंतजार आप 11 बजे करिए। हाँ, ओनली मैसेज, नो फोन कॉल। थैंक्स। साक्षी, इतने सारे अखबार और वो भी सुबह सुबह। ये देखो, मामा मामा, ये देखो, ये देखो, ये देखो। अरे माँ, पापा उठ गए क्या? हाँ, और आज सुबह जल्दी ऑफिस जाने का कह रहे थे। ठीक है, लेकिन ना उनको इन खबरों के बारे में बिल्कुल भी मत बताना। उनको ऑफिस जाने दो। लेकिन बेटा, मेरे पापा तो सुबह सुबह चाय के साथ अखबार पढ़ते हैं ना। चाय तो मैं रखा ही हूँ, अखबार के लिए आवाज ही लगाने वाले हैं, क्या जवाब दूंगी उनको। अरे साक्षी की माँ, अखबार तो लाओ। माँ, कह दो अखबार नहीं आए। सुनिए जी, आज अखबार नहीं आया है, आप चाय पी लीजिए और जल्दी से तैयार हो जाइएगा। आपने कहा था ना सुबह जल्दी तैयार होकर ऑफिस जाना है। हाँ हाँ, ठीक है। अच्छे से छिपा दिए ना बेटा, अब मैं जल्दी से उनको ऑफिस में रवाना करती हूँ। ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, ये देखिए। अखबार साक्षी के फादर के इशू को एक युद्ध का, जंग का रूप दे रहे। अब कली तो हमारी साक्षी से इस विषय में बात हुई है, फिर ये सब क्यों? सर, मुझे आपको कुछ बात बतानी थी। हाँ बताइए। सर, ये जो करप्ट लेडी अफसर वाला इशू है, इसे टैकल करना इतना आसान नहीं है सर। आपके आदेश के बाद मैंने बात की थी, पर बाद में वो क्या हुआ सर, बराबर कई MLA और पार्टी लीडरों के फोन दनादन गए। इट्स वेरी पावरफुल सर। ओ, समझा। साक्षी शायद उस ऑफिसर की ताकत को जानती है, इसीलिए उसने मीडिया की ताकत का सहारा लिया। शी इज वेरी शार्प, बहुत चतुर लड़की है साक्षी। लेकिन सर,
हमारी प्रॉब्लम अब क्रिटिकल हो गई है। हम अगर अफसर के खिलाफ एक्शन लेते हैं तो पार्टी लीडर और एमएलए लोग नाराज हो जाएंगे, और अगर सर साक्षी को न्याय नहीं मिला तो शायद ये प्रदेश का बड़ा इशू बन जाएगा सर। हाँ, आप ठीक कहते हैं। पहले इन अखबारों का रिएक्शन देख लेते हैं, फिर पार्टी लीडर, एमएलए, उस ऑफिसर का रिएक्शन देख लेते हैं, और हमारे सीएम साहब इस विषय पर क्या सोचते हैं ये भी देख लेते हैं। बाद में कौन ताकतवर बनकर उभरता है फैसला तब लेते हैं। हाँ, हर डेवलपमेंट के बारे में मुझे बताते रहिएगा। राइट सर, जरूर सर, प्रणाम। साक्षी बेटा, मुझे तो बहुत ही घबराहट हो रही है। तुम्हारे पापा को इन सब खबरों का ऑफिस में पता चल ही जाएगा, तब हम क्या जवाब देंगे? माँ, तू शांत रहकर मुझे मेरा काम करने दे, आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जंग अभी लेवल शो कर रही है, मतलब हम जीत भी सकते हैं और हार भी सकते हैं। वो करप्ट लेडी बहुत पावरफुल है। एक नया अटैक मैं कर रहा हूँ ठीक 12 बजे। होत सिटी केबल पर देखो और अगले एसएमएस का वेट करो। घर पर रहो। माँ, 12 बजे होत सिटी केबल पर कुछ बड़ा कर रहा है राज, और हमें देखने के लिए बोला है, और घर पर रहने की सलाह दी है उसने। बेटा, ये सब कुछ तुम्हारे पापा के अच्छे के लिए तो हो रहा है ना? देखो, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। तू सच सच बता, तू मुझे बहुत परेशान लग रही है, बात क्या है आखिर? परेशान नहीं माँ, मैंने इस जंग की पूरी तैयारी कर ली। मेरा पहला अस्त्र वो ताकतवर करप्ट ऑफिसर झेल गई, लेकिन दूसरा इन अखबारों में खबरों का, बस मुझे इसका इंतजार है। लेकिन मैं सिर्फ एक बात लेकर थोड़ी सी चिंतित हूं कि आखिर राज 12 बजे क्या करने वाला है। लेकिन तो तू उसे पूछ लेना। जनाब ने ऑर्डर दिया है कि मैसेज ओनली, मतलब राज जहां पर भी है वहां पर उससे बात नहीं हो सकती, राइट? मतलब उसने मिनिस्टर के यहां डेरा डाल दिया और वहां से वो हर खबर का पता कर रहा है और मुझे टाइम टू टाइम मैसेज करके इन्फॉर्म कर रहा है, एसएमएस कर रहा है। मां, अभी अभी एक मैसेज आया है कि जंग लेवल में है। इसका मतलब कि वो प्रहार कर रहा है जंग जीतने का 12 बजे सिटी केबल पर। बेटा, ये सब कुछ तुम्हारे पापा के अच्छे के लिए तो हो रहा है ना? देखो, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? तू मुझे बहुत परेशान लग रही है, बात क्या है आखिर? कलेक्टर बहू। बेटा, तुम सब लोगों ने मिलकर ये क्या तूफान खड़ा कर दिया है? कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? तू जानती है ना अपने पापा का सपना? माँ, एक बात का जवाब दे, क्या ये दिन अच्छे है जब पापा ऑफिस से अपमानित होकर घर आते हैं? जो गुनाह उन्होंने किया भी नहीं है उसकी भी सजा वो भुगत रहे, क्या तू खुश है? क्या पापा खुश है इस जिल्लत भरी जिंदगी से? नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। तू सुन मां, आगे क्या होगा? मैंने वो हर अस्त्र शस्त्र फेंके हैं जिससे पापा का ही फायदा होगा। बेटा, मुझे भी कुछ समझा दे, मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। अगर मेरे सारे तीर निशाने पर पहुंचे तो पापा का प्रमोशन पक्का होगा, और वो भी आज ही।
और उस करप्ट ऑफिसर का सस्पेंड होना पक्का है मां। और अगर दुश्मन चालबाज और ताकतवर निकला तो एक बात तो तय है कि पापा का सम्मान वो जरूर करेगी और पापा को किसी भी तरीके की कोई टेंशन नहीं होगी। दोनों सूरतों में हमारी ही विजय होगी मां। बस ये देखना है कि हमारी विजय कितनी बड़ी है और वो शाम तक पता चल जाएगा। घी शक्कर तेरे मुंह में बेटा, ईश्वर करे आज की शाम हमारे खानदान के लिए वरदान बन जाए। बस हाँ माँ, ईश्वर हमारे साथ है और इस बात का एहसास मुझे हर पल हो रहा है माँ। बस अब 12 बजे देखना है ईश्वर का नया संकेत। अखबार पढ़ा आज का? हाँ, साक्षी का ना। हाँ यार, साक्षी अपने पापा के लिए लड़ रही है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। हमारी कॉलेज फ्रेंड है यार, और आज का ही बार बार एसएमएस आ रहा है साक्षी के घर जाने का और उससे मिलने का। यस, तो सबको इन्फॉर्म कर दे, हम सब ठीक 1 बजे साक्षी के घर पे मिलते हैं। चल ठीक। और हाँ, वो राज को भी मैसेज कर देना, हम सब पहुँच रहे हैं। अभी कर देते। सिटी केवल पर हमारे दर्शकों को नमस्कार। आज की सनसनीपूर्ण खबरें। पिछले दिनों प्रदेश में एक नाम हर एक की जबान पे था, साक्षी का। जिस मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की ने पूरे प्रदेश में पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप किया था और आज के सभी टॉपर्स को पीछे छोड़ दिया था, और आज एक बार फिर प्रदेश के अखबारों में सुर्खियों का कारण बन गई है। साक्षी के पिता परमानंद जी, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय के एक विभाग के कर्मचारी हैं, उन पर हो रहे अन्याय व मानसिक यांत्रणा को लेकर साक्षी मंत्रालय से जूझ रही है। सूत्रों के अनुसार ये मामला सिर्फ और सिर्फ मानसिक यांत्रणा का ही नहीं है, करप्शन से भी जुड़ा हुआ है। शायद इस विभाग का कोई बड़ा स्कैंडल सामने आए। हमारे रिपोर्टर्स साक्षी और मिनिस्ट्री से मिलकर इस मामले की आपको पूरी जानकारी पहुंचाते रहेंगे। दूसरी सनसनी इस प्रकार है। इंटरव्यू के लिए तैयार रहो, जो जो फाइल्स में लिखा है सब कह दो। यही मौका है साक्षी, डरना नहीं। दुश्मन बहुत ताकतवर है, ये वार जरूरी है। माँ, शायद प्रेस रिपोर्टर्स आएंगे, तू शांत रहना और वो जो कुछ भी बोले उसका कोई जवाब मत देना। उनके सारे सवालों का जवाब मैं दूंगी। तुम लोग यहाँ? हाँ। इस वक्त? हाँ। आओ अंदर आओ, प्लीज कम। क्या यार साक्षी, तू इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रही है और वो भी अकेले? हम क्या अब सिर्फ नाम के दोस्त रह गए? कॉलेज से अलग हो गए तो क्या हुआ? दिल से तो हम यार हमेशा दोस्त थे और हमेशा रहेंगे। और क्या साक्षी, ये क्या इशू चल रहा है तेरे पापा का? अरे साक्षी लड़ रही है तो इशू भी सही होगा और लड़ाई भी। बोल साक्षी, अभी हमें क्या करना है? थैंक यू यार, पर मुझे अभी नहीं लगता कि ऐसी कोई नौबत आई है। जब अगर ऐसी कोई नौबत आएगी तो मैं बता दूंगी। शायद हमारे कॉलेज के ओल्ड फ्रेंड्स तुम तक पहुंच गए होंगे। उन्हें तब तक रोकना जब तक रिपोर्टर ना पहुंचे, और हाँ, उनका पूरा सपोर्ट मांगो। तुम समझ गई होगी, अगले मैसेज का इंतजार करो। कल किसने देखा है? मैं शाम के 5 बजे तक इंतजार करूंगी, नहीं तो ये सच की लड़ाई एक बहुत बड़ा रूप ले लेगी। कलेक्टर बहू। फ्रेंड्स, आप लोग अखबारों में तो पढ़ ही चुके होंगे
कि मैं कौन सी लड़ाई लड़ रही हूँ। और जहां तक आप लोगों के सपोर्ट का सवाल है, तो सच की लड़ाई में एक क्या और लाख क्या, और जितने जुड़ेंगे हमारी ताकत उतनी ज्यादा बढ़ेगी और सच की जीत निश्चित रूप से होगी। साक्षी, तुम तो जानती हो मैं कॉलेज यूनियन का प्रेसिडेंट रह चुका हूँ। अभी भी जूनियर मेरे ही अंडर में है, मेरे एक इशारे पे पूरा कॉलेज सड़कों पर उतर आएगा। तुम बोलो क्या करना है। जी आप लोग? साक्षी, हम लोग बहुत सिटी केबल से हैं और हम आपका इंटरव्यू लेने आए। इंटरव्यू? आइए आइए, अंदर आइए। तो पूछिए, क्या पूछना है आपको? आज अखबारों को पढ़कर और ईवी को देखकर हमारी यूनिवर्सिटी के पुराने दोस्त भी आ गए हैं यहाँ पर हमारी मदद करने के लिए। अच्छा होगा इन सब के साथ हमारा इंटरव्यू। श्योर मैडम। अच्छा आप लोग भी फ्रेम पर आ जाइए। मैडम, सुना है कि आपके पिता के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आप जंग लड़ रही हैं। इसकी तह में क्या कोई बड़ा करप्शन भी है? यस, 100% करप्शन है। आप ये कैसे कह सकती हैं? मैं सबूत मंत्रालय में दे चुकी हूँ और मंत्री जी के पास पूरी फाइल्स है। इनफैक्ट उनका खुद फोन आया था और उन्होंने मुझसे कहा था कि न्याय होगा और मैं उसी न्याय का इंतजार कर रही हूँ। मैडम, आपको क्या लगता है कि आपको न्याय कब तक मिलेगा? हो सकता है कोई कमेटी बैठ जाए और आपकी ये जंग की लड़ाई महीनों तक टल जाए, तब आप क्या करेगी? कल किसने देखा है? मैं शाम के 5 बजे तक इंतजार करूंगी, नहीं तो ये सच की लड़ाई एक बहुत बड़ा रूप ले लेगी और इसके बाद क्या होगा आपको मेरे दोस्त बताएंगे। कैसा बड़ा रूप? हमारी स्टूडेंट यूनियन पूरे कॉलेजों में स्ट्राइक कर देगी। साक्षी हमारे इंस्टीट्यूट का गुरूर है, इज्जत है और उसकी न्याय की लड़ाई में हम सब उसके साथ हैं। न्याय होके रहेगा। हाँ हाँ, न्याय होकर रहेगा। थैंक यू वेरी मच साक्षी। एक बार साक्षी की शादी हो जाने दो, उसके बाद मैं तुम्हें दुनिया की हर वो खुशी दूंगा जिससे तुम आज तक महरूम रही हो। बस साक्षी की शादी शान मान से हो जाने दो। फिर वही फिकर, साक्षी के शादी की। अरे भाई, इतनी गुणी है हमारी बेटी, अब तो मान जाओ और उसकी शादी का फैसला उसी पर छोड़ दो। अरे फैसला तो उसने कर ही लिया है, कुंवर साहब का और उसका निर्णय तो हम मान ही चुके हैं। बस जिस दिन दोनों तय करेंगे हम शादी कर लेंगे।